इंडियन टी20 लीग के सातवें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया। दिल्ली की ओर से मिले 176 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवरों में 131 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से जीत के हीरो रहे पृथ्वी शॉ और कगिसो रबाडा। ओपनर पृथ्वी शॉ ने शानदार अर्धशतक जमाया और 64 रन बनाए। पिछले मैच में सस्ते में आउट होने वाली पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी ने पहले पावर प्ले में सिर्फ 36 रन बनाए। इस सदी हुई शुरुआत के बाद दोनों ने बड़े शॉट लगाने शुरू किए और पहले 10 ओवरों में टीम को 88 रन तक पहुंचा दिया। इस साझेदारी के दौरान शो ने कवर्स पर कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और बाउंड्री बटोरे। अपनी 64 रनों की पारी में शो ने 9 चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। यही नहीं, उन्होंने टी20 मुकाबलों में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए। पृथ्वी शो का आईपीएल में ये 5वां अर्धशतक है। इस 50 के साथ वो ऋषभ पंत का एक रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए। पृथ्वी शॉ 21 साल से कम उम्र के दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में 5 या उससे ज्यादा अर्धशतक लगाए हैं। इस मामले में उन्हीं के टीममेट ऋषभ पंत पहले नंबर पर हैं। ऋषभ पंत ने 21 साल की उम्र से पहले आईपीएल में 9 अर्धशतक लगाए थे। शानदार पारी खेलने के लिए पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच दिया गया। इसके अलावा सुपर स्ट्राइकर और गेम चेंजर का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। वहीं दिल्ली के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे कगिसो रबाडा, जिन्होंने इस मुकाबले में 26 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इस मैच में चेन्नई के शेन वॉटसन को सुपर सिक्सेस और दिल्ली के एनरिच नॉर्जे को पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी करने के लिए पावर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इस मैच में दिल्ली की ओर से अमित मिश्रा और अक्षर पटेल ने लाजवाब स्पिन गेंदबाजी की। नतीजा ये रहा कि चेन्नई को ये मुकाबला 44 रन से गंवाना पड़ा। जीत के बाद दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया। उन्होंने कहा कि कगिसो रबाडा और एनरिच नॉर्जे जैसे तेज गेंदबाजों की मौजूदगी में वो खुद को भाग्यशाली कप्तान मानते हैं। इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टीवी9 भारतवर्ष।